राणा साहब ने आज तक से बातचीत की है और उसने हमारे लिखित सवालों का लिखित में जवाब दिया है, यानी अभी भी खुलकर सामने आकर इंटरव्यू देने को मौलाना मोहम्मद साहब तैयार नहीं है, लेकिन ये कहना है कि जांच एजेंसियों को पता है कि मैं कहां हूं, मैंने कोरोना टेस्ट करा लिया है। अब पिछले दो दिन से तो ये इंटरव्यू में यही बता रहे हैं कि कोरोना टेस्ट करा लिया है, न जाने कहां से कराया है कि इनकी रिपोर्ट ही नहीं आती। मेरे बेटे के सामने घर की तलाशी हुई है, क्राइम ब्रांच जो कर रही है कह रही है वो हम कर रहे हैं। इससे पहले जानकारी आई कि शामली में उसके फार्म हाउस पर छापा पड़ा, दिल्ली में पड़ा, लेकिन वहां पर वो नहीं मिला। अब समझना ये है कि आखिर ये जो लुका छुपी का इस वक्त खेल चल रहा है, कराया है टेस्ट, रिपोर्ट कराया कि नहीं, रिपोर्ट का इंतजार है, जैसे ही रिपोर्ट आती है हम जांच एजेंसियों को सूचना देंगे, ये कहा है मोहम्मद साद ने इस इंटरव्यू में। डॉक्टर्स की सलाह पर मैं क्वारंटीन में रहा, लेकिन प्रोटोकॉल टेस्ट के लिए कहता है और इसीलिए मैं टेस्ट करवा रहा हूं, करवा लिया है मैंने। मरकज के दूसरे साथी भी 3 हफ्ते का क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं। अच्छा ये भी आपको बता दें, 28 मार्च के बाद से ही ये पूरा मामला है और तब से ही ये लगभग 24-25 दिन का वक्त गुजर चुका है। उनका 2 से 3 बार टेस्ट हो गया है। हमने लॉकडाउन में किसी को नहीं बुलाया, बल्कि लॉकडाउन के बाद सारे आयोजन रद्द कर दिए। ये अपना पक्ष मौलाना साद कर रहा है।